अब बताएं जरा आप एपेक्स ग्रीन करें। फ्लावर बर्ड जो है पिंक यहाँ पे एग लेइंग करते हैं और यहाँ पे इसकी हैचिंग होती है। जैसे ही बर्ड ओपन होता है ये फ्लावर जो फ्लावर होता है पिंक जो है वो ग्लूटेन मटेरियल जो होता है उसको लगा के इसको फ्लावर को बंद कर लेते हैं। उसके बाद ये फ्लावर को अंदर से खाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही बॉल डेवलप हो जाता है फिर ये बॉल के अंदर घुस जाता है। इस पौधे में क्या खासियत ये है कि क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग क्राइट हुए है और यहाँ पे उसने कोई हैचिंग नहीं की है, कोई एग लेइंग नहीं है, और अगर एग लेइंग नहीं है तो डेफिनेटली कोई हैचिंग भी नहीं होगी। और अगर हैचिंग नहीं होगी तो इधर पिंक का कोई अटैक नहीं है। इस पौधे पे किसी जगह वैसे पिंक का अटैक हुआ है? हाँ सर, जितने भी हैं ऑलमोस्ट ये सारे के सारे 5 लिक्यूल है और जहाँ तक मेरी नजर जा रही है कि कोई भी एक लिक्यूल भी डैमेज नहीं है कि जहाँ पे भी पिंक ने जो है वो अटैक किया। तो डेफिनेटली अगर इसमें स्ट्रॉन्ग क्राई टू है तो फ्लावर बर्ड में इसको एंट्रेंस का मौका नहीं मिला, और जब फ्लावर बर्ड में एंट्रेंस का मौका नहीं मिला तो डेफिनेटली जो है वो कोई भी एक सिंगल लिक्यूल जो है वो भी डैमेज नहीं है इसके ऊपर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह ये पौधा भी जो है, अब सर्दी है लेकिन ये भी पौधा जो है वो वायरस फ्री है और एक्सीलेंट बिहेवियर आप देख सकते हैं कि ये गुच्छे की शक्ल में जो है वो फ्लावर, क्योंकि एक भी लिक्यूल डैमेज एक और एक भी लिक्यूल डैमेज नहीं है।